फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू जैमा टैरो। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। आज है जैमा टैरो की रीडिंग साईं बाबा जी के दिव्य संदेश, यानी कि थर्सडे स्पेशल। थर्सडे स्पेशल साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। अगर आप किसी और डिवाइन पे ज़्यादा विश्वास रखते हो तो ये जो गाइडलाइंस है आप उनको सोच के भी फॉलो कर सकते हो। देखते हैं आपकी जो परेशानियाँ हैं, चाहे वो रिश्तों को लेके हैं, चाहे वो कैरियर को लेके हैं, किसी जॉब को लेके हैं, फैमिली की उलझनें हैं, साईं बाबा जी के दिव्य संदेश में आज बाबा जी आपको क्या गाइडलाइंस देते हैं। इस संदेश को कोई भी किसी भी समय किसी भी उम्र में देख सकता है, क्योंकि डिवाइन के संदेश के लिए किसी एज का निर्यात नहीं है कि इतनी एज तक देखना है। देखते हैं साईं बाबा जी आज हमारे ऊपर या आपके ऊपर, हम सबके ऊपर क्या कृपा करने वाले हैं। शिरडी वाले साईं बाबा, आया हूँ दर पे तेरे सवाली। जी हाँ, ओम साईं राम। देखिए गाइस, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है मेडिटेशन। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं आप में से कुछ लोगों का मन बहुत दुखी रहता है, परेशान रहता है, हमेशा सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, डिवाइन पे भरोसा रखिए और मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे आपकी उलझनों का हल नहीं निकलेगा। आप अभी सही नहीं हो, हेल्थ आपकी सही नहीं है, मेडिटेशन की आपको बहुत ज़रूरत है। जैसे ही आप मेडिटेशन करोगे आप पॉजिटिव बनोगे और आपकी समस्या का हल निकलेगा। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं कि आपके कुछ चक्र ऐसे हैं, चक्रा जो ब्लॉक हैं। आपको इसमें भी यही कहा जाता है कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं मेडिटेशन की जरूरत है, ध्यान लगाइए अपने ईश्वर पर, ध्यान लगाइए अपने मेडिटेशन पर, आपके जो चक्रा ब्लॉक है वो खुलेंगे। थ्री सी का मतलब क्या है? ओम साईं राम। कट क्लियर कैंसल। तो साईं राम जी आज कह रहे हैं जो मेमोरी, यानी कि जो यादें हमें तकलीफ देती है, जो हमें पुरानी चीज़ें याद कर करके हमारे आंखों में पानी देती है, उनको कट क्लियर कैंसल कर दो। क्योंकि जो चीज़ हमें दुख देती है उसको हमें बार बार याद नहीं करना चाहिए, अपने साथ नहीं जोड़ना चाहिए, उससे हमारा जो है फ्यूचर खराब होता है। ओम साईं राम। डिटैचमेंट। देखिए आज कार्ड सेम टू सेम, एक टू एक ऐसे आ रहे हैं जैसे चेन की तरह। सबसे पहले मेडिटेशन का आया, उसके बाद भी मेडिटेशन के रिलेट पे आया, अब आया कि जो यादें आपको दुख देती है उसको कैंसिल कर दो। तो यहाँ आया है डिटैचमेंट। यहाँ पे भी यही कहा जाता है जो रिश्ते आपको परेशान करते हैं, जिसके लिए आप बहुत दुखी हो, आप उन्हें पाना चाहते हो लेकिन आपको ना तो रिस्पेक्ट मिल रही है ना कोई आपकी वैल्यू है, तो साईं राम जी कहते हैं सब चीज़ें अपने टाइम पे आने की सही होगी, लेकिन आपको कुछ समय जो चीज़ें परेशान कर रही है उसको इग्नोर करना होगा, यानी कि उनसे डिटैचमेंट लेनी होगी, क्योंकि ज़्यादा लगाव भी जो होता है, ज़्यादा अटैचमेंट इंसान को दुख देती है। धीरे धीरे आपको अपनी गलतियां और सामने वाले की गलतियां नज़र आएंगी, आपकी सारी चीज़ें अपने हिसाब से सही होनी शुरू हो जाएंगी। अभी आप भावुक हैं, अटैचमेंट इतनी बढ़ाई हुई है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओम साईं राम।
बाबा जी कह रहे हैं कर्मा, लाइफ में अगर सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो कर्मा। कर्मा का फल ऐसा है कि जो इंसान कहीं भी चला जाए इससे बच नहीं सकता। तो जो भी हो गया उसको भूल जाइए, आगे अपने कर्मा को क्लींज रखिए जहाँ तक हो सके। मैं ये नहीं कहती कि हर एक का अच्छा करो, लेकिन किसी का बुरा मत करो, इस कलयुग में वो भी बहुत अच्छा कर्म है। ओम साईं राम। सोल जर्नी, आप अपने आप को, बाबा जी कह रहे हैं आप अपने आप को अकेला मत समझो, मैं आपके साथ हूँ। अभी हम आपका सोल जर्नी, यानी कि सोल जर्नी है, धीरे धीरे आपके सब चीज़ें जो है पॉजिटिव होने वाली है। सोल ग्रुप में हो आप जिस चीज़ में चल रहे हो वो चीज़ें सही है। इसके बाद भी बाबा जी कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो। ओम साईं राम, आप मेरे बच्चे हो, आप अकेले नहीं हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अपने आप को आपने अकेला नहीं समझना, कोई भी सिचुएशन हो है, मैं आपके साथ हूँ। भले ही नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप फील करोगे, मेरे पे ट्रस्ट रखोगे, तो आपको वो भी चीज़ें, वो भी सलूशन मिलेंगे जिसका आप सोचते हो कोई हल नहीं। तो इससे पता चलेगा बाबा जी आपके साथ हैं। जैसे हवाएं नज़र नहीं आती, वैसे हर चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन हवा तो है। ऐसे ही बाबा जी कहते हैं मैं भी हमेशा हर सिचुएशन में आपके साथ हूँ। अगर कोई, ओम साईं राम, अगर कोई परेशानी, प्रॉब्लम या लेसन बार बार आपकी लाइफ में वही चीज़ आ रही है, तो इससे कुछ आपको सीखने की ज़रूरत है। बाबा जी कह रहे हैं जब चीज़ें डे टू बाय डे रिपीट होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि ये जो रिपीटेड चीज़ें हैं वो क्या है, हमें कुछ लेसन ज़िंदगी सिखाना चाहते हैं कि इस चीज़ से हट जाओ। मान लीजिए कोई रिश्ता ऐसा है, आपको किसी रिश्ते में किसी को एक बार दुख मिल गया, फिर दूसरी बार वही चीज़ें मिल गई, तीसरी बार फिर वही चीज़ें मिल गई, तो साईं राम जी कहते हैं कहीं ना कहीं आप में कमी है। आप सामने वाले के ऊपर जा तो भरोसा ज़्यादा करते हो, जा उसके लिए अपनी जान तक लौटाते हो, तो आपकी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। बैलेंस बनाइए चीज़ों को, तभी चीज़ें सही होगी। तो इसलिए फिर दोबारा ये लेसन रिपीट नहीं होगा। ओम साईं राम। अंत बला तो सब बला, बी असर्टिव। बाबा जी कह रहे हैं बहुत कुछ है लाइफ में, खुश रहो, पॉजिटिव बनो। आपको पॉजिटिव बनते ही अच्छी अच्छी चीज़ों के अच्छे अच्छे आंसर, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। सबसे पहले यही बात है, जब कोई इंसान खुश होता है तो उस वो कहीं भी जाता है उसके चेहरे पे चमक रहती है। अगर कोई दुखी होता है, भले ही वो किसी फंक्शन पार्टी में जाता है, तो उसकी नेगेटिविटी उसके चेहरे के ऊपर है, उसके चेहरे पे ना तो किसी को चमक नज़र आएगी, ना वो वाली स्माइल जो फंक्शन के अंदर होती है। तो बाबा जी कह रहे हैं पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव सोचो, तभी आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो ये थे साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। अगर ये आपको पसंद आए हो तो कीजिएगा लाइक, शेयर, कमेंट, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी, और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और ओम साईं राम। जय माता।